हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे क्रिकेट गेम में मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस आए। आज हम लोग कॉमर्स, मीडिया एंड क्रिकेट टुडे के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, 1970 के डेकेड में क्रिकेट गेम पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि इस डेकेड में क्रिकेट गेम ने मॉडर्न वर्ल्ड में आए चेंजेस को बहुत ही अच्छे से अपनाया। चलिए इस टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि आखिर 1970 के डेकेड में क्या क्या हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1970 में इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज ने रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसी के कारण साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला गया मेलबर्न में। साथ ही 1975 में क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि टेस्ट मैच की शुरुआत 1877 से हुई और इसीलिए 1977 में टेस्ट मैच के 100 इयर्स सेलिब्रेट किए गए और 1977 में क्रिकेट गेम में बहुत ही मेजर बदलाव आया। इनफैक्ट ये ऐसा बदलाव था जिसने क्रिकेट गेम का रूप ही बदल दिया। जानते हैं स्टूडेंट्स, ये बदलाव क्रिकेटर्स या फिर क्रिकेट अथॉरिटीज के कारण नहीं, बल्कि बिजनेसमैन के कारण आया। इसीलिए हैरानी की बात है कि आखिर एक बिजनेसमैन ने क्रिकेट को किस तरीके से इम्पैक्ट किया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की मदद से जानते हैं। स्टूडेंट्स, 1977 में केरी पैकर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्रिकेट गेम को एक बिजनेस के रूप में देखा। पैकर ने कहा कि क्रिकेट गेम को टेलीविजन पर दिखाने से बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसीलिए पैकर ने वर्ल्ड के बेस्ट 51 क्रिकेटर्स को चुना और नेशनल क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जाकर 2 सालों तक फेक टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल्स ऑर्गेनाइज किए। उस समय पैकर की इस टेक्निक को सर्कस का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, 2 सालों बाद पैकर की इस सर्कस को बंद कर दिया गया। लेकिन इन 2 सालों में पैकर की मदद से की गई इनोवेशंस के कारण टेलीविजन ऑडियंस के लिए क्रिकेट एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्पोर्ट बन गया। इनफैक्ट इसके बाद क्रिकेट में कलर्ड ड्रेसेस, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स और लाइट्स का यूज किया जाने लगा। स्टूडेंट्स, पैकर वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि क्रिकेट गेम एक मार्केटेबल गेम है, यानी कि क्रिकेट को बेचकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। पैकर से पहले ये थॉट किसी के भी मन में नहीं आया था, लेकिन पैकर ने हमेशा ही इस बात पर फोकस किया कि क्रिकेट गेम से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो आइए इस डायग्राम की मदद से जानते हैं कि आखिर टेलीविजन के कारण क्रिकेट गेम में कौन कौन से बदलाव आए, आखिर टेलीविजन के आने के बाद क्रिकेट गेम से किस तरीके से पैसे कमाए गए। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्रिकेट बोर्ड्स जैसे कि आईसीसी या फिर बीसीसीआई, क्रिकेट बोर्ड्स ने टेलीविजन कंपनीज को टेलीविजन राइट्स बेचे और टेलीविजन राइट्स बेचकर क्रिकेट बोर्ड्स ने काफी पैसे कमाए। इस प्रोसेस से फ्रेंड्स, टीवी चैनल्स को क्रिकेट गेम को ब्रॉडकास्ट करने का राइट मिल गया। अगर अब हम टीवी चैनल्स की बात करें तो टीवी चैनल्स ने एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स बेचकर कंपनी से काफी रेवेन्यू जनरेट किया। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, अगर आज भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो मैच पर फोकस करने के अलावा हमारा ध्यान बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स पर भी जाता है, जैसे कि पेटीएम, कोलगेट या फिर एनर्जी ड्रिंक्स। इन एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स का कंपनीज को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें उनके रेगुलर कस्टमर्स मिल गए। अगर अब हम दोस्तों क्रिकेटर्स की बात करें तो टेलीविजन ने क्रिकेटर्स को सेलिब्रिटीज बना दिया। क्रिकेटर्स को फ्रेंड्स अच्छा परफॉर्म करने पर क्रिकेट बोर्ड से तो पैसे मिलते ही थे, साथ ही क्रिकेटर्स को एडवर्टीजमेंट करने पर भी कंपनी से पैसे मिलने लगे। अगर आप क्रिकेट के ट्रू फैंस हैं दोस्तों, तो आप इस बात से अग्री करेंगे कि हम डेली बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, लेकिन हमें वो एडवर्टीजमेंट्स हमेशा याद रहती हैं जिनमें हम इंडियन क्रिकेटर्स को देखते हैं, जैसे कि पेप्सी या फिर कोलगेट। इस पूरे प्रोसेस को जानने के बाद
हम कह सकते हैं कि टेलीविजन के आने के बाद ही क्रिकेट में मेजर चेंजेस आए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, टेलीविजन के कारण क्रिकेट से सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए गए, बल्कि टेलीविजन की मदद से क्रिकेट को ग्लोबल मार्केट मिली। पहले स्टूडेंट्स क्रिकेट सिर्फ बिग सिटीज के लोग ही देख पाते थे, लेकिन सैटेलाइट टेलीविजन के कारण स्मॉल टाउन्स और विलेजेस के लोग भी क्रिकेट गेम को एंजॉय करने लगे। अब स्टूडेंट्स हम जान चुके हैं कि किस तरीके से क्रिकेट गेम को ग्लोबल मार्केट मिली, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन होने के कारण क्रिकेट की लार्जेस्ट मार्केट इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुई। इनफैक्ट इंडिया में बढ़ रही क्रिकेट ऑडियंस की वजह से वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और साथ ही क्रिकेट गेम का फोकस साउथ एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे फ्रेंड्स 2005 में आईसीसी ने अपना हेडक्वार्टर लंदन से टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट कर लिया। इनफैक्ट सिर्फ आईसीसी के हेडक्वार्टर के केस में ही नहीं, अगर हम क्रिकेट टेक्निक्स में हुई इनोवेशंस की बात करें तो ज्यादातर इनोवेशंस हमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से ही मिली है। पाकिस्तान की मदद से हमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉलिंग टेक्निक्स के बारे में पता चला, जिनके नाम है दूसरा और रिवर्स स्विंग। सबसे पहले हम लोग दूसरा बॉलिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा उस बॉलिंग टेक्निक का नाम है जो एक ऑफ स्पिन बॉलर यूज करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो इस टेक्निक का यूज वो बॉलर करता है जिसे एक ऐसे बैट्समैन का सामना करना हो जो एग्रेसिव है और जो मॉडर्न क्रिकेट बैट का यूज करता है। इसके बाद बात आती है रिवर्स स्विंग के बारे में। स्टूडेंट्स, रिवर्स स्विंग उस बॉलिंग टेक्निक का नाम है जिसमें बैट्समैन ये आइडिया नहीं लगा पाता कि आखिर बॉलर किस डायरेक्शन में बॉल को पिच करने वाला है। इस टेक्निक का यूज एक पुरानी क्रिकेट बॉल की मदद से किया जाता है। पहले स्टूडेंट्स, इन दोनों इनोवेशंस को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद इन दोनों इनोवेशंस को पूरे वर्ल्ड में बॉलर की टेक्निक्स के रूप में लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ये टॉपिक फ्रेंड्स यही खत्म होता है और इसी के साथ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक समय था जब इंडिया की पहली कम्युनिटी जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया यानी कि पारसीज, उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए एक खुला मैदान भी नहीं मिलता था। और आज वो समय है जब इंडियन क्रिकेटर्स बेस्ट पेड क्रिकेटर्स हैं और पूरा वर्ल्ड ही उनके लिए उनका स्टेज है जहां उन्होंने क्रिकेट गेम को एक पॉपुलर स्पॉट बना दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पर क्लिक कीजिए, इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब PuStack चैनल की ऐप भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और PuStack की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।